Good morning, friends. Welcome back to my channel Management Mantra. I am Dr. Barkha Gupta. As you already know that ki hum ek series kar rahe hain, that is the Employee State Insurance Act 1948, jiska aaj hum part 9 dekhne wale hain. It include all the benefit that provided by the ESI. Wo sare benefit aaj hum cover karenge. और एज यू ऑलरेडी नो कि आप प्रीवियसली वीडियोस आपने देखे ही होंगे, अगर नहीं भी देखे हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी. तो उसमें आप देखेंगे कि जितने भी हमारे एक्ट है, ये भी जो हमारा पूरा एक्ट चला है, उसमें क्या क्या पार्ट आए हैं, कैसे हम उन पार्ट्स को कंप्लीट करते हुए अब ये बेनिफिट्स वाले पार्ट पर आए हैं. ठीक है, तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनके थ्रू क्लियर कर सकते हैं. तो अब जो बेनिफिट वाला पार्ट आया है उसमें आप देखोगे कि कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं. ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि काफी सारे बेनिफिट्स हैं ईएसआई एक्ट के, लाइक मेडिकल बेनिफिट हो सकता है, सिकनेस बेनिफिट हो सकता है, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट, फ्यूनरल बेनिफिट, रिहैबिटेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. दे आर दी बेसिक बेनिफिट्स जो कि ईएसआई एक्ट में कवर होते हैं, और यही सारे बेनिफिट हैं जो हमें ईएसआई एक्ट से जुड़ने के लिए मजबूर करते हैं. ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कंपनसेशन एक्ट के बारे में आप जानते ही हो, तो कंपनसेशन एक्ट जो है वो क्या होता है कि वो सिर्फ जो प्रोवाइड कराता था, वो सिर्फ उसके जो एम्प्लॉयज हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराता था, जिसको कभी कोई डिसेबलमेंट हुआ है उस केस में. ठीक है, या डिपेंडेंट्स को देता था इन केस ऑफ अगर कोई डेथ हो जाता है या सीरियस इंजरी होता है. बट यहाँ पर आपका मेडिकल से जुड़े हुए बेनिफिट, सिकनेस से जुड़े हुए बेनिफिट, मैटरनिटी, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड है ना. तो हर एक को यहाँ पर फायदा मिल रहा है, इसलिए इस एक्ट का कवरेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है. अब जैसे फर्स्ट देखते हैं मेडिकल बेनिफिट. अब मेडिकल बेनिफिट जैसा नाम से क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर जो प्रोवाइड हो रहा है वो मेडिकली, अगर किसी को कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी जो मेडिकल केयर रिक्वायरमेंट होती है उससे रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है. तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या करता है, टेक केयर करता है हर एक उस इंडिविजुअल की जो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है ना. तो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस उसको बहुत ज़्यादा बर्डन ना लगे, उसमें ये हेल्प करता है ईएसआई एक्ट. तो जितने भी पर्सन जो इसमें कवरअप हैं उन सबको ये हेल्प करता है. तो ईएसआई स्कीम क्या करती है, आपको ये फुल रेंज की मेडिकल केयर प्रोवाइड कराती है. ये जो भी उसकी फैमिली है उसको भी, लाइक इंश्योर्ड पर्सन, उसकी फैमिली, हर एक को यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड कराता है. किसके थ्रू, क्योंकि बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि ईएसआई एक लार्ज कवरेज हो चुका है. तो ये जो लार्ज कवरेज है इसमें आप देखोगे कि ईएसआई डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स, पैनल क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, सुपर स्पेशलिटी बेनिफिट्स, ये सब कुछ इसमें प्रोवाइड होता है. नाउ सुपर स्पेशलिटी बेनिफिट क्या होता है, या इस तरह का जो ट्रीटमेंट होता है वो कब रिक्वायर्ड होता है. तो जैसे इन केस ऑफ ओपन हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इस तरह के जो सीरियस केसेस होते हैं ना, उनमें भी ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड कराता है. ठीक है, और इसके लिए आप एलिजिबिलिटी क्या है कि कब आप मेडिकल बेनिफिट बेयर कर सकते हैं, तो आपने पढ़ा होगा अगर प्रीवियस स्लाइड में, हमने देखा था कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड और बेनिफिट पीरियड. अगर नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. तो कंट्रीब्यूशन पीरियड और बेनिफिट पीरियड, तो हमें पता है टू कंट्रीब्यूशन पीरियड होते हैं, टू बेनिफिट पीरियड होते हैं. तो अगर कोई भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है 78 डेज इन अ कंट्रीब्यूशन पीरियड, एक कंट्रीब्यूशन पीरियड जो कि आपका 6 मंथ का होता है, उसमें अगर उसने 78 डेज काम किया हुआ है तो वो एलिजिबल होगा किसके लिए, मेडिकल बेनिफिट को बेयर करने के लिए. ठीक है, तो मिनिमम 78 डेज काम करना जरूरी है एक कंट्रीब्यूशन पीरियड यानी कि 6 मंथ में. ठीक है, तो वो एलिजिबल हो जाएगा मेडिकल बेनिफिट के लिए. नेक्स्ट आता है आपका सिकनेस बेनिफिट. तो ये सिकनेस बेनिफिट क्या होता है कि जो ईएसआई एक्ट है इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो पर्सन बीमार है, जिसने अपनी मेडिकल लीव ली हुई है ना, वो काम पर नहीं आ सकता है, उस केस में भी उसको पैसा मिलता है. ठीक है, वो होता है आपका सिकनेस बेनिफिट. तो वो पैसा कितना मिलेगा, अराउंड 70%, मतलब 70% जो भी उसका डेली वेजेस है उसका मिलता है 70% उसको यहाँ पर एज अ सिकनेस बेनिफिट, जिससे कि उसके जो हाउस होल्ड है, लाइक जब वो बीमार है उस टाइम पर जो उसकी हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैं उन पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, इसके लिए बेनिफिट ईएसआई एक्ट प्रोवाइड कराता है. ठीक है, अब इसके लिए भी एलिजिबिलिटी है. एलिजिबिलिटी ये है कि मिनिमम 78 डेज, जैसा मेडिकल बेनिफिट में था वैसा ही मिनिमम 78 डेज कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एक कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड में. ठीक है, और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है दैट इज 91 डेज. अगर 91 डेज उसकी है टू कंट्रीब्यूशन पीरियड में, तो वो यहाँ पर
बेनिफिट पीरियड का फायदा उठा सकता है, वो भी दो बेनिफिट पीरियड का फायदा उठा सकता है। ठीक है, 78 डेज कितना कॉन्ट्रीब्यूशन एक कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड में, 91 डेज टू कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड में, और वो फायदा कितना उठा सकता है, 91 डेज का फायदा उठा सकता है आराम से वो टू कंसेक्यूटिव बेनिफिट पीरियड में। ठीक है, तो ये आपका सिकनेस बेनिफिट। नाउ मैटरनिटी बेनिफिट, ऑल्दो आई नो कि आप सभी जानते होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटरनिटी, बट दोज हु डोंट नो द मीनिंग ऑफ मैटरनिटी उनके लिए मैं बता दूं, ये फीमेल्स के लिए बेनिफिट होता है और ये बेसिकली जो होता है ये प्रेगनेंसी बेनिफिट होता है। ठीक है, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पर उसको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं ESI एक्ट के थ्रू, तो वही बेनिफिट यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी उन्हें कैश पेमेंट मिलता है जब भी अगर वो कन्फाइनमेंट, यानी कि इन केस ऑफ कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट का मीनिंग भी हमने पढ़ा हुआ है, मतलब चाइल्ड बर्थ का अगर केस हो रहा है, मिसकैरेज का केस हो रहा है, या फिर प्रेगनेंसी की वजह से बीमारी यानी कि सिकनेस फील हो रहा है, हर एक केस में यहाँ पर आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और लेकिन ये जो मैटरनिटी बेनिफिट होता है वो तब मिलता है जब वुमन जो है वो सर्टिफाइड होती है बाई ड्यूली अपॉइंट मेडिकल ऑफिसर और मिडवाइफ, जो भी उसके मेडिकल ऑफिसर्स या डॉक्टर्स होते हैं उनके थ्रू जब सर्टिफाइड होता है उसके बाद उन्हें ये मेडिकल बेनिफिट मिलता है। ठीक है ना, इसके लिए भी एलिजिबिलिटी सेम रहेगी जैसा हमारा सिकनेस बेनिफिट में बताया गया है, 78 डेज आपका एक कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड में और 91 डेज आपके दो कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड में यहाँ पर कंपलसरी होता है कि आपने वर्क किया हो तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। बाकी वेजेस की अगर बात की जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है कि 100% वेजेस यहाँ पर मिलता है, 100% ऑफ एवरेज डेली वेज, यानी कि हम कह सकते हैं कि फुल सैलरी यहाँ पर उनको, फुल वेजेस उनको मिल जाता है जो भी इस मैटरनिटी बेनिफिट को गेन कर रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, या उस समय जब वो लीव ले रहे हैं उस समय का बात यहाँ पर हो रही है। तो किस समय वो ले सकते हैं या बेनिफिट, तो यहाँ बताया गया है कि 26 वीक गोइंग इनटू लेबर, जब चाइल्ड बर्थ के लिए या लेबर के लिए जा रहे हैं तो उस टाइम पर 26 वीक का उनको बेनिफिट मिल सकता है। इन केस ऑफ मिसकैरेज, यानी कि अगर बच्चा जो है वो सही टाइम पर पैदा ना होकर पहले ही अगर लाइक डिलीवर हो जाता है तो उस केस को मिसकैरेज कहा जाता है, तो उस केस में 6 वीक का, या फिर 12 वीक्स यानी कि उस समय पर जब वो किसी बच्चे को कंसीव कर रहे हैं तो कंसीव के टाइम पर जो सिकनेस होती है, जो भी प्रेगनेंसी की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस स्टार्टिंग पीरियड पर 12 वीक्स तक का उनको लीव मिलती है और उस समय पर ये अपने बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट को गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिसेबलमेंट बेनिफिट। डिसेबलमेंट बेनिफिट आपको नाम क्लियर हो ही रहा होगा कि जब डिसेबिलिटी की कंडीशन आती है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो डिसेबिलिटी जब एम्प्लॉयज के साथ हो रही है तो ESI एक्ट ये इंश्योर करता है कि उसको प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो मंथली बेसिस पर वेजेस को प्रोवाइड कराते हैं जो भी इंजरी होती है उस केस में, है ना। तो क्या लाइक टेम्पररी डिसेबलमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलेगा, टोटल डिसेबलमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलेगा। तो डिसेबलमेंट का जो भी अगर कंडीशन आती है उसके अकॉर्डिंग इन्हें बेनिफिट यहाँ पर मिलता ही मिलता है। जैसे आपको पता है कि अगर परमानेंट या टेम्पररी डिसेबलमेंट है, ठीक है, परमानेंट या टेम्पररी डिसेबलमेंट है तो उसको एक तरह से 100% उसका वेजेस उसको मिल जाता है। लेकिन अगर डिसेबलमेंट जो है वो टेम्पररी होता है, एक तरह का टेम्पररी कैसा वाला, अगर परमानेंट है तो उसको देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर टेम्पररी है तो उसके बेसिस पर क्या होता है कि लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, जो आपका एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी अगर गई है तो वो कितनी गई है, तो उसके बेसिस पर भी डिसाइड होता है उसकी उसका यहाँ पर बेनिफिट कि उसे कितना मिलना चाहिए, उसके परसेंटेज उसके बेसिस पर डिसाइड होता है। ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी उसकी कितनी लॉस हुई है उसके बेसिस पर यहाँ पर मिलता है। एंड वन मोर थिंग, जो बेनिफिट है वो संडे का भी उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो यही चीज यहाँ पर इसमें बताई गई है डिसेबलमेंट के केसेस में। डिसेबलमेंट का ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा कंपनसेशन का ही है। ठीक है, टेम्पररी और टोटल, दो तरह के डिसेबलमेंट आपके आ रहे हैं, टोटल डिसेबलमेंट में या टेम्पररी डिसेबलमेंट, किसी भी तरह का होता है अगर टोटल होता है तो या परमानेंट होता है तो उनको वेजेस उनका 100% मिल ही रहा है। लेकिन इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबलमेंट है ना, या परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हम जिसे कहते हैं, तो उस केस में अर्निंग कैपेसिटी कितनी रिड्यूस हुई है उसके बेसिस पर उन्हें मिलेगा। ठीक है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट लाइक किसी की फिंगर अगर कट चुकी है ना, या परमानेंटली उसका जो थंब है वो जा चुका है, तो उस केस में उसे कितना मिलेगा, उसकी ऑलरेडी एक कनेक्शन दिया हुआ है उसके बेसिस पर उनको मिलता है।
नेक्स्ट आता है आपका डिपेंडेंट बेनिफिट। डिपेंडेंट का मीनिंग आपको पता ही है, जो पर्सन इंश्योर्ड है उसके डिपेंडेंट जितने भी पर्सन है दे कम्स अंडर द डिपेंडेंट एज अ कैटेगरी ऑफ डिपेंडेंट। तो जब भी क्या होता है कि गॉड फॉरबिड बट अगर वो इम्प्लॉय जो डिसेबल्ड हुआ था या जो इंजर्ड हुआ था उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में ESIC जो रहता है वो मंथली पेमेंट प्रोवाइड कराती है जो भी उसके डिपेंडेंट होते हैं उनको। और ये जो मंथली पेमेंट होती है ये अराउंड 70% ऑफ टोटल वेजेस होती है। ठीक है, कितना? 70% ऑफ टोटल वेजेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी बेनिफिट है लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, इन केस समटाइम इट्स हैपन कि लाइक नहीं चाहता था सामने वाला तब भी क्लोजर की वजह से, शटडाउन की वजह से या किसी भी अदर रीजन की वजह से अगर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है ना, हमें कंपनी से निकालना पड़ता है, लाइक कंपनी बंद हो गई है या लाइक नॉन वॉलेंटरी वो चाहता नहीं था तब भी उसे अगर जॉब से निकालना पड़ रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि एक साल यानी कि 24 मंथ तक, ठीक है, एक साल यानी कि 24 मंथ तक यहाँ पर उस पर्सन को जो कि जिसे निकाला गया है, क्योंकि ये समझा जाता है कि इट नॉट पॉसिबल कि जैसे जॉब से उसको निकाला गया या मजबूरी में ही निकाला जा रहा है ना, किसी लाइक डिसिप्लिनरी एक्शन के तौर पर नहीं, मजबूरी में अगर निकाला जा रहा है तो उस केस में लाइक एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि तुरंत तो जॉब मिल नहीं जाएगी, तो उसको यहाँ पर कुछ बेनिफिट प्रोवाइड होता है और वो जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट उसे एक साल तक उसको मिलता है यानी कि 24 मंथ तक उसको मिलता है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई उसकी। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के केसेस में ये हो सकता है या फिर नॉन एम्प्लॉयमेंट इंजरी के केसेस में हो सकता है। नेक्स्ट आपका होता है फ्यूनरल एक्सपेंसेस। फ्यूनरल का मतलब आई थिंक आप सभी को पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। इनकेस कभी किसी पर्सन की अगर डेथ हो जाती है, जो इंश्योर्ड पर्सन है उस पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो उसका जो दाह संस्कार होता है तो उसमें जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसे यहाँ पर फ्यूनरल कहा जाता है। तो यहाँ पर ESI एक्ट ने 15,000 रुपीज जो है वो डिसाइड किया हुआ है फॉर द फ्यूनरल एक्सपेंसेस, कि जो भी इंश्योर्ड पर्सन है अगर उसकी डेथ होती है तो उस केस में जो उसके डिपेंडेंट है या फिर वो पर्सन जो कि लाइक सारी चीजों को हैंडल कर रहा है, जो फ्यूनरल को हैंडल कर रहा है, उसके एक्सपेंसेस को बियर कर रहा है, उस पर्सन को ये पैसा दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज अ फिजिकल रिहैबिटेशन। फिजिकल रिहैबिटेशन क्या होता है? एक्चुअली कई बार ऐसा भी होता है, कुछ केस डिसेबलमेंट के ऐसे हो जाते हैं कि उस केस में उनको ना रिहैबिटेट करने की जरूरत पड़ती है, दोबारा से उनके अंदर मोटिवेशन लाने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए कुछ रिहैबिलिटेट सेंटर्स बनाए गए हैं, लाइक हैंड इंजर हुआ है या पैर इंजर हुआ है, मेंटली किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए रिहैबिलिटेट सेंटर्स बनाए गए हैं, तो वहां पर उन्हें भेजा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर 45 ईयर्स से कम की एज है या 45 ईयर्स तक की अगर एज है किसी पर्सन की और उसका 40% से ज्यादा डिसेबलमेंट हुआ है, ठीक है, 40% से ज्यादा उसका डिसेबलमेंट हुआ है, तो उस केस में उन्हें इन सेंटर्स में भेजा जाता है रिहैबिलिटेट करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेनिफिट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक। और कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आगे कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।